जितने बच्चे आएंगे आप हमारे स्कूलों में, पढ़ाई का क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, जिसके लिए बीपीएससी से टीचर का हम लोग एक राउंड और दो राउंड तैयारी कर चुके हैं और तीसरा तैयारी राउंड भी शीघ्र ही होने वाला है। तो उसी में डीएलएड के बच्चों को चिंता हो गई, आप लोग सेकंड ईयर वाले हैं सर, चिंतित हैं सर। तो भाई आपको लग रहा होगा कि तैयारी 3 मार्च में हो जाएगा तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी, ऐसा नहीं। तैयारी 3 के बाद जो अगस्त में एग्जाम होगा वो तैयारी 4 होगा और उसमें भी 1,00,000 के आसपास टीचर को होगा। आप इधर उधर चिंता छोड़ के पढ़ाई में ध्यान लगाइए। आप आते हैं ना सारे क्लास में? यस सर। मैडम इन लोगों की अटेंडेंस सच में 100% है? आप लोग का हम लोग आपको तो टीचर बनने जा रहे हैं। यस सर। आपको एकदम 100% आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही नहीं आएंगे तो आप बच्चे को कैसे कहेंगे कि तुम क्लास में आओ, है? हम जब आए थे तो 50% ही एवरेज अटेंडेंस होती थी आप लोगों के, पता नहीं आपके यहाँ क्या थी, लेकिन जनरल हम डायरेक्ट में पूछते थे तो कहीं 40% डीएलएड की हाजिरी थी, कहीं 50%। अभी ये 100% हो गए तो बड़ी खुशी की बात, ये जीवन भर रखना है आपने 100%। अच्छा सुबह आप जाते हैं ना स्कूल में पढ़ाने? यस सर। क्यों भेजते हैं हम लोग सुबह स्कूल में, रोज क्यों भेजते हैं? आदत डालने के लिए, कि स्कूल जाने की आदत डालो और देख लो भाई हमारा स्कूल कहाँ है, किस हालत में, जैसे हैं ऐसे ही हैं, आप लीव इट और टेक। अब आपके चलते हम हर स्कूल को शहर में नहीं ला सकते, तो गांव में अगर आबादी रह रही है तो गांव में स्कूल खुलेगा, जैसे हैं रोड जैसी बनी है बनी, अधिकांश रोड गांवों में रोड बन चुकी, 2-4% छुट्टा होगा तो वो भी बन जाएगा। तो आप स्कूल देख लीजिए, इसीलिए डीएलएड के बच्चों को कह रहे हैं आपने अपना करियर शिक्षक में चुना है, बिहार में आपने पढ़ाना है, बिहार के स्कूलों को आप देखिए और तभी अप्लाई कीजिए बीपीएससी में, और स्कूल देख लीजिए, यहीं आपका जीवन बीतना है इन्हीं बच्चों के बीच। और हम कह चुके हैं इससे अच्छा प्रोफेशन, इससे ज़्यादा सम्मानजनक प्रोफेशन दूसरा नहीं है। ठीक से पढ़ाइएगा तो गांव में अभिभावक और बच्चे दोनों से बड़ा सम्मान मिलता है शिक्षक। और आप डीएम साहब कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी पैसे दे रखे हैं, हर जिले में 1,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इसी साल सैंक्शन किया है स्कूलों के रिपेयर के लिए, जिसमें किशनगंज को भी 20 करोड़ के करीब मिला है, और ये पैसे उनको मार्च के पहले ही खर्च करने हैं, काफ़ी खर्च कर चुके हैं डीएम साहब। तो आपके स्कूलों में कई जगह कुछ कहीं किसी स्कूल में रंगाई पुताई कुछ काम शुरू हुआ है किसी स्कूल में? जी सर हो गया है, सभी स्कूलों में शुरू हो गया, वेरी गुड, तेजी से काम शुरू हो रहा है, रंगाई पुताई टॉयलेट्स और गर्ल्स टॉयलेट्स में हम जिले में बहुत ध्यान देते हैं कि छात्राओं के लिए टॉयलेट जरूर बनने चाहिए और ये इसका हम ध्यान रखते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बेंच डेस्क का भी एक बोल दिया है, आपके यहाँ किशनगंज में भी कहाँ है डीओ साहब बेंच डेस्क, और अररिया में आप अररिया कटिहार से हैं ना, बेंच डेस्क पहुँचने आ गई है, किसी स्कूल में गर्मी शुरू हो गई है। हमने कहा है कि 1 अप्रैल से इस राज्य में कोई बच्चा जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, तो 900 करोड़ रुपये सरकार आपने देखा होगा हमारे बच्चे फर्श पे बैठते हैं, छोटे बच्चे खासतौर से, है ना? लेकिन अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में पूरे राज्य में जहाँ जहाँ बच्चे हमारे स्कूलों में हैं बेंच डेस्क। हम लोग का मांग यही है कि जो सर जो बीपीएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था कि तीसरा चरण में अगस्त में आएगी, वो तीसरा चरण की बाली अब मार्च में होने जा रही है, और इसमें हम लोग को ये अब डर बन रहा है कि हम लोग को इसमें वंचित कर दिया जाएगा, और इसमें हम लोग को TRE 1 के तर्ज पर ही हम लोग को भी मौका दिया जाए TRE 3 में, और जो चौथा चरण जो संभावना है सर जो दिए हैं इसमें हम लोग को कहीं भी नहीं लग रहा कि चौथा चरण हम लोग का मौका मिल पाएगा, क्योंकि टोटल सीट TRE 3 में जाने जा रही है। तो क्या आश्वासन दिए सर? आश्वासन दिए हैं कि तीसरा चरण में आप लोग का नहीं होगा तो चौथा चरण आने जा रहा है, उसमें लाखों पद आएंगे, और अगस्त में TRE 4 जो आएंगे उसमें आप लोग को शामिल कर दिया जाएगा, जिसमें हमें कोई उम्मीद नहीं है। मेरा कहना यही है कि हमें TR 3 में मौका दिया जाए, क्योंकि सीट्स बहुत कम है ना, अब ये थोड़ी ना पता है कि अब 4 में इतनी सीट्स होंगी नहीं होंगी, बस मेरा यही कहना है कि हमें मौका दिया जाए अपीयरिंग वालों को, अगर मार्च में हो रहा है तो अपीयरिंग वालों को दिया जाए, और फिर अगस्त में होगा तो
काफी है। वैसे तैयारी 3 मार्च में होगी तो हम लोग को जैसे 21-23 वाले को दिया गया था अपेयरिंग करके मौका, तो उसी तरह हम लोग को भी दिया जाए 22-24 वाले को, चाहे वो डीएलएड वाले हो या बीएड वाले हो, कोई भी हो। क्या आश्वासन दिए सर? आश्वासन दिए कि मार्च में होगा लेकिन हम लोग को नहीं लेगा, 2024 में जो अगस्त में आएगा उसमें लेगा, लेकिन सीट ही नहीं रहेगी तो हम लोग कहाँ से होगी। जरूरी नहीं है कि अगस्त में, हाँ सर बोले कि अगस्त में होगा लेकिन इसका आश्वासन दिए लेकिन जी हम लोग को अपेयरिंग करके मौका दिया जाए या फिर इसको मार्च को रोक करके अगस्त में ही लिया जाए, दोनों में से एक काम किया जाए, कम से कम हम लोग को मौका दिया।